Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry once again. Today our topic is again related with kids. Parents जो है उनको कितनी सारी बातें जो है वो kids के साथ करनी पड़ती हैं या kids से related कुछ बातें हैं जो हम दूसरों से करते हैं. जैसे कई बार क्या होता है कि एडमिशन करानी है, उससे रिलेटेड बात करनी है, या फिर आपने बच्चा जो है वो पेंसिल बॉक्स भूल गया स्कूल में, लंच बॉक्स भूल गया, एनीथिंग, नोटबुक भूल गया, नोटबुक इनकम्प्लीट है, ऐसा बहुत कुछ है जो कि डेली चलता रहता है बच्चों के साथ. तो ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में. एंड आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू रिधिमा सिंगला, वन ऑफ आर व्यूअर. उन्होंने इसमें से काफ़ी सारे सेंटेंसेस मुझे पोस्ट किए थे, सो आई हैव एडेड ऑल द सेंटेंसेस इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट नंबर 43. आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा डेली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए. घर में बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, ऑफिस में फ़ोन पे कैसे बात करते हैं, बाहर होटल में कैसे बात करते हैं, एंड सो मैनी वीडियोज़ आर देयर ऑन डेली इंग्लिश ऑन माई चैनल. और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल माई न्यू अपलोड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सबसे पहले क्या है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे का कंफर्म करना होता है हमें कि उसको कल हॉलीडे है. ट्यूशन से भी हो सकता है और उसके स्कूल से भी हो सकता है. तो मैम इज इट हॉलीडे टुमारो, मैम इज इट हॉलीडे टुमारो, मैम क्या कल छुट्टी है. या फिर जैसे होता है कि कई बार हमें स्कूल में बैग नहीं भेजना होता, इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए. जैसे हम पूछना चाहते हैं डू आई सेंड हर विद स्कूल बैग टुमारो, डू आई सेंड हर विद स्कूल बैग टुमारो, क्या कल स्कूल बैग भेजना है या साथ में स्कूल बैग भेजना है. और इसके साथ ही है जैसे कि बच्चा आता है, हम जनरली उसे पूछते हैं कि मैम ने आज क्लास में क्या पढ़ाया, व्हाट हैड मैम टॉट इन द क्लास, व्हाट हैड मैम टॉट इन द क्लास. अब जैसे ही पढ़ाते पढ़ाते एकदम याद आता है, वो इसकी तो नोटबुक ही नहीं है. तो अगर बच्चा छोटा है तो जनरली हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी डायरी पे नोट देना पड़ता है. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं या फ़ोन करके टीचर से बात कर सकते हैं, प्रिया'स नोटबुक वॉज लेफ्ट इन द स्कूल, प्रिया की नोटबुक कल स्कूल में रह गई है. प्रिया आप अपने बच्चे का नाम बोल सकते हैं या माई चाइल्ड्स नोटबुक, कुछ भी इस तरह से. और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं प्लीज़ हेल्प हर टू फाइंड इट, कृपया नोटबुक ढूंढने में उसकी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प हर टू फाइंड इट. ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर बार हर चीज़ के लिए स्कूल में ही जाएं, तो कई बार हमें ऐसे नोट्स जो है वो लिख के भेजने पड़ते हैं. अब कई बार पूछना होता है कि स्कूल कब ओवर होगा, कोई टाइमिंग्स चेंज होते हैं. व्हेन विल स्कूल गेट ओवर टुमारो, व्हेन विल स्कूल गेट ओवर टुमारो. या फिर आप किसी पर्टिकुलर डेट का भी पूछ सकते हैं कि उस डेट से जो है स्कूल कितने बजे छुट्टी होगी, कल स्कूल कितने बजे लगेगा, व्हाट विल बी द स्कूल टाइमिंग्स फॉर टुमारो. अब कई बार तो ऐसा होता है कि हमें डायरी पे नोट आ जाता है या फिर उस दिन बच्चा लीव पे था, हमें फ़ोन करके भी पूछना पड़ सकता है. तो ऐसे केसेस में हम कंफर्म करने के लिए पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द स्कूल टाइमिंग्स फॉर टुमारो. अब यहाँ पे है कि कई बार बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती तो हमें फिर से डायरी पे नोट देना पड़ता है कि मैम इसने अपना काम नहीं किया, होमवर्क, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी. रिया वॉज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, दैट्स वाई शी हैजंट डन हर होमवर्क. रिया वॉज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, दैट्स वाई शी हैजंट डन हर होमवर्क. रिया की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए उसने अपना होमवर्क नहीं किया है. और इसके साथ ही प्लीज स्पेयर हर फॉर टुडे, आज के लिए मीन्स पनिशमेंट से उसको जो है वो छोड़ दें. I assure you she will complete her pending homework very soon. I assure you means मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, she will complete her homework. वो अपना complete कर लेगी काम बड़ी जल्दी. अब यहाँ पे ऐसे होता है कि कई बार बच्चा लीव पर होता है तो उसकी नोटबुक इनकम्प्लीट होती है, पेंडिंग होमवर्क रह जाता है. तो उस केस में माई चाइल्ड वॉज ऑन लीव, प्लीज हेल्प हर टू कम्प्लीट हर पेंडिंग क्लास वर्क. My child was on leave, मेरा बच्चा छुट्टी पर था,
प्लीज़ हेल्प हर टू कम्प्लीट हर पेंडिंग क्लास वर्क. उसका जो रह गया काम है उसको कम्प्लीट करने में उसकी हेल्प कर दीजिए. अब कई बार दूसरे बच्चे की नोटबुक लेनी होती है काम कम्प्लीट करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे जनरली तो अपनी नोटबुक देते नहीं है क्योंकि उनको अपना फर्दर काम करना है, तो फिर से टीचर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है. तो कैसे करेंगे? प्लीज़ हेल्प हर टू गेट नोटबुक्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स सो दैट शी कैन कम्प्लीट हर वर्क. कि आप कृपया उसकी मदद कर दीजिए कि किसी और बच्चे से नोटबुक ले दीजिए ताकि वो अपना काम कम्प्लीट कर सके. प्लीज़ हेल्प हर टू गेट नोटबुक्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स so that she can complete her work. और नेक्स्ट है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी तो करवाते हैं लेकिन हमें पैटर्न नहीं पता होता. कि जैसे साइंस का है, हम हिंदी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हमें पता नहीं है कि ऐसे कितने मार्क्स का आएगा, लेटर कितने मार्क्स की आएगी एंड सो ऑन. तो जब हमें ऐसी सेग्रीगेशन पता होगी तो हम ईजीली जो है उनको काम करवा सकते हैं. तो उसके लिए भी हम टीचर से पूछ सकते हैं, प्लीज़ सेंड द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके. और जैसे बच्चा कुछ भूल गया है, शी फॉरगॉट हर लंच बॉक्स एट स्कूल यस्टरडे, वही अगेन से फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उसकी हेल्प कर दीजिए. अब इतनी हेल्प टीचर ने की है तो एक नोट फिर से थैंक यू का लिखना भी ज़रूरी है. कि जैसे अब इतनी पेशेंटली अगर उन्होंने हेल्प कर दिए, थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट विद माय चाइल्ड, अगर किसी भी तरह से आप इसको ले सकते हैं, इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम थैंक यू करना चाहते हैं कि आप इतनी पेशेंस के साथ आपने मेरे बच्चे की हेल्प की. और इसके अलावा जैसे कई बार होता है कि बच्चा बहुत शाय होता है और वो दूसरों के साथ खुला नहीं होता काम करने में या पार्टिसिपेट करने में किसी चीज़ में, तो हम फिर से वैसे बात कर सकते हैं, माय चाइल्ड इज़ क्वाइट शाय, वो बहुत शर्मीला है, प्लीज़ ट्राई टू इनकरेज हर टू ओपन अप विद अदर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन. कुछ भी कह सकते हैं, प्लीज़ उसको इस तरह से इनकरेज कीजिए ताकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह खुले. और इसके साथ ही है कि जैसे बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत कम पार्टिसिपेट करता है, तो उस केस में भी हम बोल सकते हैं, माय चाइल्ड पार्टिसिपेशन इज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ वेरी लेस. माय चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ वेरी लेस, प्लीज़ हेल्प हर टू पार्टिसिपेट एंड सो ऑन. कुछ भी आप बोल सकते हैं. और इसके अलावा जैसे कई बार हम जनरली बात करते हैं कि मुझे तो अपने बेटे का स्कूल चेंज करना है, अपनी डॉटर का स्कूल चेंज करना है, या उसका नाम लेके भी बोल सकते हैं, आई हैव टू चेंज माई डॉटर स्कूल, हम जनरली टॉक करते हैं आपस में. तो आई एम थिंकिंग इन विच स्कूल शुड आई गेट हर एडमिटेड, मैं सोच रही हूँ कि किस स्कूल में प्रिया का एडमिशन करवाऊँ. आई एम थिंकिंग इन विच स्कूल शुड आई गेट हर एडमिटेड. और अगर किसी स्कूल में फॉर्म पूछने हैं फ़ोन करके या जैसे भी, व्हेन आर द स्कूल एडमिशन फॉर्म्स गोइंग टू बी आउट, स्कूल के जो एडमिशन फॉर्म है वो कब से निकलेंगे, व्हेन आर द स्कूल एडमिशन फॉर्म्स गोइंग टू बी आउट. अब यहाँ पे होता है कि जो स्कूल के फॉर्म्स तो निकल जाते हैं लेकिन सब क्लासेस के अलग अलग होते हैं, तो उस केस में जैसे ऑन विच डेट विल वी गेट एडमिशन फॉर्म ऑफ KG क्लास या कोई भी क्लास के लिए जो आप पूछना चाहते हैं, आप स्पेशली भी पूछ सकते हैं. ये एक लास्ट सेंटेंस है, ये होता है कि जैसे बहुत छोटा बच्चा है कि कई बार होता है कि वो ना वॉशरूम के लिए पूछता ही नहीं है, जैसे लू हम वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए नहीं पूछता है टीचर के साथ और गीला रहता है या गीला होकर आता है कई बार, तो हम ऐसी प्रॉब्लम हमें प्री नर्सरी एंड ऑल दैट ऐसे किंडरगार्टन सेक्शन में आ सकती है, तो उस टाइम भी हम लिख, सम टाइम्स ही वेट हिमसेल्फ ड्यूरिंग स्कूल एंड नेवर आस्क फॉर द लू. सम टाइम्स He wets himself during school and never asks for the loo. Yeah, for the washroom, you can say. So, ये थे आज के वो English sentences जो parents को अक्सर ही बोलने पड़ते हैं दूसरों के साथ, या फिर ऐसे notes लिख के भेजने पड़ सकते हैं, तो इस तरह से आप use कर सकते हैं ये daily English sentences. अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो please like button click करना मत भूलिएगा. And please don't forget to hit the share and subscribe button. हो सकता है कि कुछ और ऐसे parents हो जिनकी help हो सके इन video के साथ. So keep sharing and keep watching and keep learning.
Thank you. Have a nice day. Bye-bye.